वाई मीडिया स्पोर्ट्स रिपोर्ट में आपको बता दें कि KT20 कनाडा टूर्नामेंट में आज हुए मैचेस के रिजल्ट्स कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले मुकाबला हुआ चार्जर सीसी और ब्रैम्पटन रेडर्स के बीच में, जिसमें ब्रैम्पटन रेडर्स ने जीत हासिल की 9 विकेट से। दूसरा मुकाबला था कॉस्मो सीसी और ब्रैम्पटन रॉयल्स के बीच में, जिसमें ब्रैम्पटन रॉयल्स ने जीत हासिल की 3 विकेट से। फिर मुकाबला था पेट्रियट्स क्रिकेट अकेडमी वर्सेज रॉयल प्रेडेटर्स के बीच में, जिसमें पेट्रियट्स क्रिकेट अकेडमी ने जीत हासिल की 1 रन से। रॉयल टाइगर्स ने जीत हासिल की 61 रन से ओवर थंडर फाल्कन्स। कैम्ब्रिज 11 और पंजाब सीसी के बीच में मुकाबले में कैम्ब्रिज 11 ने जीत हासिल की 18 रन से। एस्टन सीसी और रेड हॉक सीसी के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें रेड हॉक सीसी ने जीत हासिल की 8 विकेट से। यॉर्क काउबॉयज और मिरी पिरी पेसर्स के बीच में मिरी पिरी पेसर्स ने जीत हासिल की 2 विकेट से। विंसर लायंस सीसी और SBS स्कॉर्पियन के बीच में मुकाबला, जिसमें SBS स्कॉर्पियन ने जीत हासिल की 6 विकेट से। थंडर फाल्कन्स और चार्जर सीसी के बीच में मुकाबले में चार्जर सीसी ने जीत हासिल की 7 विकेट से। कॉस्मो सीसी और पेट्रियट्स क्रिकेट अकेडमी के बीच में मुकाबला हुआ फॉरफिटेड, विनर रहे पेट्रियट्स क्रिकेट अकेडमी। रॉयल टाइगर्स और पटियाला शाही क्रिकेट क्लब के बीच में हुए मुकाबले में पटियाला शाही क्रिकेट क्लब ने जीत हासिल की 6 विकेट से। माझा क्रिकेट क्लब और ब्रैम्पटन रॉयल्स के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें ब्रैम्पटन रॉयल्स ने जीत हासिल की 1 विकेट से। पंजाब सीसी और एस्टन सीसी में जीत हासिल की एस्टन सीसी ने 1 विकेट से। रेड हॉक सीसी और कैम्ब्रिज 11 के बीच में मुकाबले में कैम्ब्रिज 11 ने जीत हासिल की 5 विकेट से। बाबा दीप सिंह सीसी और यॉर्क काउबॉयज के बीच में मुकाबले में यॉर्क काउबॉयज ने जीत हासिल की 7 विकेट से। विंसर लायंस सीसी और मिरी पिरी पेसर्स में मिरी पिरी पेसर्स ने जीत हासिल की 8 विकेट से। लेटेस्ट अनदरिंग न्यूज अपडेट्स के लिए आप बने रहे वाई मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स के साथ। आप सुन रहे हैं रेडियो वाई और 91.9 FM।